Dear student, now we are going to study about practice set 1.1. Question: from the information given below, find which of the points is between the other two. If the points are not collinear, state so. दी गई हिदायत के मुताबिक बताइए कि कौन सा नुक्ता किन दो नुकात के दरमियान में वाक़ है. अगर नुकात हम खती नुकात नहीं है तो उसके बारे में बताइए. हमें एक सवाल दिया है. पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्टेंस पी आर इज इक्वल टू 7, डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू 10, डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल टू 3, है ना. इसके पिछले प्रीवियस पीरियड में हमने देखे थे डिस्टेंस कैसे निकालने का, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालने का, है ना. हमने देखे थे कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करके हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं. यहाँ दो पॉइंट का बीच का डिस्टेंस 7 है और यहाँ दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है 10 और यहाँ दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है 3. यहाँ तीन डिस्टेंस दिया हुआ है. तो इसमें देखने का सबसे पहले दो छोटे जो नंबर है 7 और 3, ये दोनों को ऐड करते हैं हम. 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10 होता है. देखो ये नंबर से मैच होता है. बड़ा नंबर दो छोटे नंबर को अगर हम जमा करने के बाद बड़े नंबर से मैच हो रहा है तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल टू डिस्टेंस पी क्यू. पी आर का फासला जमा क्यू आर का फासला बराबर है डिस्टेंस नुकात पी क्यू का फासला. जब ये कंडीशन हो जाए फिलफिल दो डिस्टेंस की प्लस तीसरे की इक्वल हो जाए, हम बोलेंगे बिटवीननेस एग्जिस्ट अमंग द पॉइंट्स. हाँ, अमंग द पॉइंट्स. जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाए तो हम क्या लिखेंगे, बिटवीननेस एग्जिस्ट अमंग द पॉइंट्स. हाँ, दो नुकात के दरमियानियत मौजूद है. अब हम इसको लिखते हैं डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस क्यू आर को मैं लिखता हूँ आर क्यू लिख देता हूँ. क्यू आर क्यू क्योंकि यहाँ पर पी आर आर पे ख़त्म हो रहा है तो मैं नेक्स्ट जो रहेगा मुझे आर से स्टार्ट करने का है, इसलिए क्यू आर को मैंने क्या लिखा, आर क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस पी क्यू. देखो अब डायग्राम बनाते हैं. डायग्राम बनाएंगे तो पी आर, यहाँ पी है, यहाँ पर आर दे देते और यहाँ क्यू दे देते. डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस आर क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस पी क्यू. तो आपको डायग्राम से बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि नुक्ता आर जो है पी और क्यू के दरमियान में मौजूद है. हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू. तो यहाँ पर पॉइंट कौन सा है, पॉइंट आर लाइज बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू. पॉइंट आर, नुक्ता आर, नुकात पी और क्यू के दरमियान में वाकई है. तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ. हाँ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले दो छोटे जो नुकात है उनकी, दो छोटे जो डिस्टेंस है उनकी प्लस करेंगे, वो उसके बराबर आ रही है तो हम बोलेंगे बिटवीननेस एग्जिस्ट अमंग द पॉइंट. उसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं क्योंकि क्यू आर की जगह मैंने आर क्यू लिखा हूँ, क्योंकि क्यू आर इज इक्वल टू होता है आर क्यू, है ना. और फिर डायग्राम से हमें बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि पॉइंट आर इज लाइज बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू. सेकंड क्वेश्चन है, डिस्टेंस आर एस इज इक्वल टू 8, डिस्टेंस एस टी इज इक्वल टू 6, डिस्टेंस आर टी इज इक्वल टू 4. इसमें दो छोटे जो डिस्टेंस है हम उन्हें पहले लेंगे. कौन से दो छोटे डिस्टेंस है, पहला है 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10 होता है. यहाँ पर क्या दिया है, 8 दिया है. तो 6 प्लस 4 नॉट इक्वल टू 8, ऐसा हो रहा है. जो तीन डिस्टेंस दिया है उसमें दो छोटे डिस्टेंस हमने प्लस किए, 6 प्लस 4 10 होता है और जो तीसरा डिस्टेंस दिया वो 8 है. तो 6 प्लस 4 नॉट इक्वल टू 8, है ना. तो डिस्टेंस एस टी प्लस डिस्टेंस
आर टी नॉट इक्वल टू डिस्टेंस आर एस। हाँ, तो जब ये नॉट इक्वल टू है तो इसे लिखेंगे बिटवीननेस डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, बिटवीननेस डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ बता देने का कि ये जो बिटवीननेस डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। कंप्लीटेड।